रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज टीवी बर्स। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, जहां मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आए हूं आपकी फेवरेट टीवी टाउन की मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट फेमस एक्ट्रेस हिना खान को लेकर ये प्रोग्राम टीवी बर्स में। आज हम आपको बताएंगे टीवी टाउन की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बहू के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाली हीना जब अक्षरा के किरदार को अलविदा कह बैठी थी। पूरे टीवी टाउन के सितारों को ही नहीं बल्कि सीरियल ये रिश्ता के तमाम फैंस को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हुई, और वजह हीना खान की अपनी मर्जी नहीं मजबूरी थी, क्योंकि नैतिक के रोल को करण मेहरा ने अलविदा कहा और फिर हिना खान को भी अक्षरा के रोल से धीरे धीरे दूरियां बनानी पड़ी। ऐसे में हिना खान ने उस वक्त राजन शाही शो के मेकर को लेकर उतार चढ़ाव के काफी ज्यादा मुसीबत झेले। किसी तरह वो बाहर आई शॉर्ट फिल्में की, एल्बम सॉन्ग किए, और इस कोविड की क्राइसिस में खुद को बिजी रखने वाली हिना ने अपने पिता को खोया। पिता के जाने के बाद हिना की माँ की क्या दशा हुई थी आप सोच कर रो पड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं हम हमारे खास रिपोर्ट में कैसे हिना खान अपनी माँ के बिना तड़पी थी, क्योंकि वो खुद बीमार थी और माँ का ख्याल नहीं रख पा रही थी। पिछले कुछ दिनों से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोस्ट फेमस एक्टर नैतिक सिंघानिया फेम करण मेहरा अपनी पत्नी निशा रावल के साथ झगड़ों को लेकर, उनके साथ मारपीट वाले इल्जामों को लेकर, बेटे काविश को लेकर गैर जिम्मेदार होने को लेकर, और अपने को स्टार्स के साथ यानी कि सबसे करीब उनकी रही ऑन स्क्रीन वाइफ अक्षरा फेम हिना खान के साथ रिश्ते में आए उतार चढ़ाव को लेकर काफी परेशानियों का सामना कर चुके हैं। ऐसे में हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब ये जरूर बताना चाहेंगे कि कैसे इन दिनों जो हिना खान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, इस पर तमाम तरह की अपडेट्स आ रही हैं। तो हिना खान का करण मेहरा के मामले में स्टेटमेंट न देना करता इशारा कि वो करण मेहरा से काफी ज्यादा दूरियां बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल हिना खान की जिंदगी का एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जो सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे, जिस करण मेहरा को लेकर हिना खान काफी मुसीबतों का सामना कर चुकी है, जिस करण मेहरा को लेकर हिना खान काफी परेशान रह चुकी हैं, हिना खान जिन्हें पिछले कुछ दिनों से काफी उतार चढ़ाव का सामना करते आपने देखा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के किरदार में नैतिक के गुजरने वाले सीक्वेंस से खूब रोई हिना खान के शो से विदाई बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे दी, क्योंकि वो शो से दूरी नहीं बनाना चाहती थी। शो से वो दूर हुई क्योंकि नैतिक के रोल में करण मेहरा फिट थे और उन्होंने शो को अलविदा कहा तो दूसरे नैतिक के साथ अक्षरा फेम हिना खान की कहानी लोगों को पसंद नहीं आई। टीआरपी के गिरने से हिना खान हुई पीछे और नए लीड को लाया गया, हिना खान के किरदार को तवज्जो खास नहीं दिया गया और वो शो से बाहर हो गई। फिर हिना खान बिग बॉस जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो में आई थी। शो बिग बॉस में जब हिना खान को देखा गया था, नेगेटिव रोल को लेकर हिना खान काफी ज्यादा चर्चा में रही, नेगेटिव उनकी इमेज बन गई थी। वो हिना खान तो शो में खूब रोई। बीते कुछ टाइम पहले ही हिना खान ने अपने पिता को खोया है। पिता का कोविड की वजह से निधन हो जाना हिना खान को अंदर से तोड़ गया था। अपने पिता को याद करते हुए खूब रोई हिना खान की। ऐसी हालत हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हिना खान एक बार नहीं कई बार रोती नजर आई हैं। पिता के गुजर जाने के बाद हिना खान अपने घर पर अपनी माँ का ख्याल रख रही हैं। माँ के लिए हिना खान हर पर रहती हैं। उनके घर का ये राज हम आपको बता दें, कोविड ने उनसे उनके घर के भी हाल को पूरी तरह से बर्बाद किया। घर का हाल बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ। हिना खान अपनी माँ की बहुत करीब हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि पिता के जाने के बाद माँ को संभालने वाली हिना, जिनकी शादी भी नहीं हुई रॉकी जायसवाल के साथ जो शादी की प्लानिंग कर रही थी, अपनी रोती हुई माँ को चुप कराने वाली हिना खान खूब भी रोई हैं। और हिना खान जो कि शादी की प्लानिंग भी कर रही हैं, वो शादी अब कैसे करे और अपनी माँ को कैसे खुद से दूर रखे, हिना खान के लिए आसान नहीं है इस वक्त। माँ के चले जाने के बाद
माफ कीजिएगा, पिता के चले जाने के बाद खुद को संभालना, किस तरह से हिना खान अपने पिता को मिस कर रही हैं आपको बताना चाहेंगे। हिना खान अपने पिता को बहुत मिस करते नजर आई है पिछले कुछ दिनों में, जो कि कह बैठी है, अ हेल्पलेस डाउटर हु कांट इवन बी विथ हर मदर टू कम्फर्ट हर व्हेन शी नीड्स हर द मोस्ट। डियर पीपल, टाइम्स आर टफ, वेरी टफ फॉर नॉट जस्ट अस बट एवरी वन, सेइंग टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू, एंड आई एम एंड वेज एंड विल ऑलवेज बी माई डैडी स्ट्रॉन्गर, सींग इन योर प्रेयर्स प्लीज। माँ के साथ जब वो माँ के लिए नहीं थी उस वक्त जब कोरोना से खुद पीड़ित थी हिना खान, और इस कोरोना वायरस की वजह से वो हॉस्पिटलाइज नहीं क्वारंटीन में थी और उनका इलाज चल रहा था, जिस कारण वो अपने पिता को खोने के बाद अपनी माँ का सहारा भी नहीं बन पाई थी। माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, घर में हिना खान का इतना बुरा हाल था कि हिना बहुत परेशान हो गई थी। हिना खान ने इस पर अपनी तरफ से बात रखी थी, हिना की तकलीफ आप सोच नहीं सकते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा इमोशनल कर गया था। टीवी टाउन की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान के उसके बाद कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिना अपने पिता के जाने के बाद रोई हैं, और आप देख सकते हैं कि हिना खान की वाकई में कैसी हालत हुई थी। हिना खान लाइव आई थी और एक वीडियो में उन्होंने खुद को दिखाया था कि वो किस तरह रोई थी। उस वक्त की वीडियो की तमाम तस्वीरें हिना खान की काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें हिना खान के आंसू साफ इस बात की तरफ इशारे कर रहे थे कि वो भले ही वीडियो सिर्फ ऐसे ही अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए बनाई हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रोती हुई नज़र आई थी, आंखों में आंसू थे, आंसू बह रहे थे, जिसके कारण हिना की तकलीफ साफ नज़र आई थी। बताना हम आपको चाहेंगे, हिना खान कोविड के पेशेंट होने की वजह से बहुत तकलीफ़ में रही हैं, और इस वक्त उन्हें अपनी माँ को संभालना बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ चुका है, फिर भी हिना खान खुद को संभाल रही हैं। हिना खान ने अपने पिता के जाने के बाद अपनी माँ के लिए काफ़ी कुछ किया, तार में उनके लिए खाना भी बनाया। हिना जिन्हें लेकर कहा जाता है कि करण मेहरा के मामले में वो जो कुछ भी नहीं कह रही हैं, वजह यह है कि हिना बहुत ज़्यादा इमोशनल रही हैं। हिना खान की कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जब पिता के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। घर पर बंद हिना की हालत ऐसी नज़र आई थी कि वो रो रो कर बहुत बेहाल थी। हिना के चेहरे में सिर्फ आंखों के आंसू ही झलक रहे थे। कहा जाता है कि इसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हुई और कोरोना वायरस ने तो उन्हें और भी ज़्यादा अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। हिना खान को आपने कभी भी किसी शो में नहीं देखा होगा बहुत ज़्यादा रोते, लेकिन वो जब रोई सबसे ज़्यादा तो वो अपने पिता के जाने के बाद ही रोई हैं, वरना हिना खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाकर रखती हैं। बस ये हिना खान के लिए अपने पिता को खो देना सबसे तकलीफ दे था। हिना खुद को संभाल नहीं पा रही थी, वो अपना चेहरा ढक कर जा रही थी। हिना खान के लिए इसके बाद खुद को संभालना बहुत कठिन हुआ है। खुद को शाहिद शेख के साथ वो अपने एल्बम सॉन्ग बारिश के लिए खुद को संभालने की पूरी कोशिश करते नजर आई हैं, और इसी कारण से वो करण मेहरा के मामले में भी बीते कुछ टाइम से नज़र नहीं आ रही हैं। वैसे आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि हिना खान के फैंस जानते हैं कि उन्हें एल्बम सॉन्ग्स में बहुत पसंद किया गया है, इसके बावजूद हिना के पास कोई अवेस्टेबल वर्क नहीं है, और इस कारण वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहने पर फिलहाल फोकस्ड हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो टीवी बर्स, जिसमें हमने आपको बताया है टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान के बारे में। हिना खान के बारे में क्या कहती है उनकी जिंदगी और हिना खान की निजी जिंदगी कैसी है, भले ही आज वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस है, तमाम टीवी एक्ट्रेसेस के लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन वो हिना ने इंस्पिरेशन बनने से पहले कितनी मुसीबतों का सामना किया, और अब भी वो अपने पिता को खो देने के गम से उभर नहीं पाई हैं। काम करते हुए खुद को वो बिजी रख रही हैं, ऐसे में लोग ट्रॉल करते हैं, जिससे हिना खान के चाहने वालों को काफी तकलीफ होती है। खैर, टीवी बस में इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही लेटेस्ट खबरें लेकर टीवी टाउन की। देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।